जय बजरंगबली। सब यहाँ जाते आते हैं, हमारे ना दो दोस्त पुराने यार मिल गए। क्या बोलती पब्लिक? हाँ, इसको देख के समझ गए कि अपन आज बाइक में नहीं स्कूटी में जा रहे हैं। बाइक का भी सीन होगा पर थोड़ा समय देना पड़ेगा, उसके बाद बाइक का सीन होगा। अभी जो भी है जैसा भी है चलते हैं, उसके बाद मिलते मिलते बताते हैं। और थोड़ा सा मंदिर भी जाएंगे, दर्शन भी कर लेंगे, क्योंकि नई नई गाड़ी लाए तो दर्शन करना भी बनता है। चलो भाई साहब, ये गाड़ी जो है ब्लूटूथ वाली है, तो इसमें ब्लूटूथ इसका कुछ ऐप है, उसको डाउनलोड करते हैं। और स्विच की राइडर, ये कुछ ऐप है इसका राइड कर। तो ये डिस्प्ले और ये डिस्प्ले देख रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। फिर इस राइडर का नाम प्रभात तोमर, लोकेशन दंतेवाड़ा। तो मैं कहाँ था, ये रहा आपका गाड़ी पेयर करना है। ब्लूटूथ मोड पेयर, पेयरिंग हो रहा है, कनेक्टेड। फ्यूल का कैपेसिटी, फ्यूल तीन गाड़ी 106 किलोमीटर ट्रिप में 106, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पता चलेगी। स्पीड वार्निंग आप सेट कर सकते हो। बाकी चलो, हमारी ये गाड़ी में जाना हो रहा है, तो आज इस गाड़ी का थोड़ा सा चलाते चलाते थोड़ा बहुत कुछ कुछ बताएंगे। इसका बूट स्पेस लेकिन खूब ज़्यादा बड़ा है ना, डिक्की खूब बड़ा है ना। हाँ, क्या बात क्या बात क्या बात। नई सुजुकी एक्सेस 125 के राइड के साथ, चलो आज स्कूटी की राइड ले लेते हैं। और इसके खासियत बता दूं कि क्यों, ये ब्लूटूथ में टॉप मॉडल है सुजुकी एक्सेस में, ब्लूटूथ में डिस्क ब्रेक। और ब्लूटूथ की खासियत ये है कि आपको मिस कॉल इंडिकेटर और आपका स्पीड लिमिट आप मोबाइल से ही सेट कर सकते हैं। अगर 80, जैसे मैंने इसका स्पीड लिमिट 80 सेट किया हुआ है, तो 80 के ऊपर अगर गाड़ी जाती है तो एक मैसेज आ जाएगा और वो वार्निंग दे देगा कि स्पीड लिमिट के ओवर चली गई है। तो बस ऐसे ही है, कुछ कुछ खास खास। और बाकी इसका लुक वाइज तो ये गाड़ी पहले भी अच्छी लगती थी और आज भी अच्छी लगती है, बस फीचर्स में चेंजेस हो रहे हैं फीचर्स में। और सबसे मजे की बात की सुजुकी एक्सेस जो है वो कम पीता है। तो बस अब चलते हैं मंदिर, मंदिर के बाद शॉप जाएंगे और उसके बाद जो होगा जैसा होगा। वैसे भी आज तो ये पूरा दिन मेरे हाथ में है, तो कहीं भी घूमूंगा, कहीं भी कुछ भी करूंगा। अच्छा चलो अच्छा। तो क्या, कहीं भी कुछ भी करूंगा। हाँ घूमूंगा मैं तो। अच्छा जब हम छोटे होते थे ना, तब ये बहुत खाते थे, जैसे क्या तो बोलते थे। और 1 रुपए की एक पैकेट मिलती थी, आज है 5 रुपए की एक पैकेट। मतलब वक्त बदल गए और ज़माना भी बदल गया। जब हम छोटे हुआ करते थे तब 1 रुपए में मिलती थी, अभी 10 रुपए में मिलती है नैना जी बता। और यहाँ पर ये व्यापार मेला लगा हुआ है, प्लान में कुछ बदलाव नहीं है। और अभी हम पहले एक काम करते हैं, पहले अपना बैग को रख देते हैं, लैपटॉप बैग को शॉप में, उसके बाद आते हैं दुकान दुकान से मंदिर को। घंटी टोटल बंद है, चलो आज आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। बहुत टाइम से मन था दरबार आने का, तो माता जी ऐसे ना तो ऐसे बुला ही लेती हैं। चलो जय माता रानी। ये आपका मावली माता। और दर्शन करा के आप लोगों को भी मुझे भी अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को कैसा लगा एक बार बताइएगा जरूर। चलो प्रसाद भी मिल गया, इसमें कटहल खूब लगता था पता है, इस बार नहीं दिख रहा। तो चलो अब चलते हैं वापस दुकान, मंदिर में ये स्टॉल कुमार का स्टॉल है ना। हाँ मस्त मस्त बनाते हैं। जय बजरंगबली।
अब चले हम वापस अपनी शॉप। जय महादेव, हर हर महादेव। कृष्ण आएंगे, चलो खिलाएंगे ना गुरु जी। सब यहाँ जाते आते हमारे ना दो दोस्त पुराने यार मिल गए यार, क्या बात है। कहाँ जा रहे हो? हमारे सबसे पसंदीदा हमारे हाँ, और ये रास्ता बालू जाता है भैया, आप पहचानते ही नहीं, आप ऐसा बात कर रहे हो। आप तो आने वाले थे दुकान जा रहा था भाई, मिल गया। अच्छा वो अपने अंबुज भाई जो कि बिलासपुरिया है पूरे के पूरे, ठीक है। और पंडित गिरी अगर एक भी दिखानी हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। जप नाम है। और ये हमारे आसिफ भाई जो कि हमारे सबसे पहले सब्सक्राइबर बोल देंगे अपन, क्योंकि पहला जो ब्लॉग था इन्हीं के। हाँ चलिए शुरू करते हैं। चलो कहाँ जा रहे हो? इधर कहाँ जा रहे हो? चलो फूफ, तो वापस शॉप आ गए और अब थोड़ी देर बैठते हैं शॉप में, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। अभिषेक भाई के साथ गए हुए थे तो, और बाकी अंबुज और अपने आसिफ भाई मिल गए तो चलो अच्छा लगा। बाकी चले तो भाई, जब घर जाने की बेरा आ चुकी है तो घर चलते हैं, और उसके बाद क्या होता है पता नहीं। आज सुबह से कहीं जा ही नहीं पाया अपन, अभिषेक भाई के साथ गया था बस वही निकला था मैं, तो अभी घर चल के मिलते हैं रास्ते में। घर भी जा रहे हैं अपनी स्कूटी पे, नई वाली स्कूटी पे। और मज़े की बात तो ये कि डेली गाड़ी में आने का आदत था, तो अभी ठंड लग रही है हम लोग को और जैकेट हम लोग भूल चुके हैं घर पे। अब क्या करेंगे, अब तो घर जाना ही है, तो घर ठंड लग के थोड़ा सा पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाड़ी में पिकअप भी अच्छा है तो हाँ बहुत ठंड। और मज़े की बात तो ये कि मकर संक्रांति के बाद ऐसा बोला जाता है कि दिन जो है वो बड़े हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है। हम लोगों की रात तो ऑलरेडी ऐसी छोटी होती थी, अब और छोटी हो गई यार, कोई बात नहीं। और ठंड जो है ना ऐसा लग रहा है बढ़ गई है, और मकर संक्रांति के बाद ठंड जो है थोड़ी बहुत चले जाती है, लेकिन मकर संक्रांति से पहले बिल्कुल भी ठंड नहीं थी और अब कड़ाकेदार वाली ठंड है। तो चलो कुछ नहीं कर सकते, हम चलते हैं। और हमारे घर पास तो क्या है ना, पूरा प्रकृति से भरा हुआ है, पेड़ पौधे हैं, हर चीज़ें हैं, तो इस एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है यार। मतलब आज एक गाड़ी के चक्कर में ना हम लोग, कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। हो तो भाई साहब घर पहुंच गए, तो फाइनली घर पहुंच गए और अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे पता है, अब यही वीडियो को एंड कर देते हैं, क्योंकि आज माता जी के दर्शन करा के मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए, थैंक यू आप सभी लोगों का जो इतना प्यार देते हैं ना, सच्ची। चलो आज वाली वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो करना कुछ नहीं है, प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।